फिल्म में दिखाई गई सभी पात्र और घटनाओं का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वास्तव में वास्तविकता इतनी अवास्तविक हो चुकी है जिसे पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता। फिल्म में दिखाई गई घटनाएं वास्तविकता की तुलना में एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में स्थितियां और भी ज्यादा गंभीर है। जेई देख के अच्छे से कॉलेज में तो आ ही गए, अब बस अपना एक बैंड बनाना है और रॉक करना है। म्यूजिक इज माई लव, कुछ ना कुछ तो पक्का उखाड़ के दिखाऊंगा। कॉलेज में आया हूं, अपना नाम बना के जाऊंगा। और भाई कैसे? बढ़िया। तेरे को कितनी लैंग्वेजेस आती है? मेरे को बस पाइथन आती है, अभी सीखनी मेरे को बाकी। मेरे को तो C++ और जावा आती है भाई। भाई बहुत सही, तेरे को तो बहुत आता है। और कोडिंग कंपटीशन कुछ कर रहा तू? हाँ भाई, हैकाथॉन में लिया था मैं, अभी जो हैकाथॉन हुआ था। अच्छा, एक हफ्ते पहले TCP में ज्वाइन किया था। TCP में भी ज्वाइन करके रखा था, नहीं कर पाया, बहुत बिजी चल रहा हूं यार। पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर्स रट ले और तेरे को जो भी आ रहा है कोई भी एक लैंग्वेज उसको कर ले। हाँ, मैं यूट्यूब से वही कुछ भी ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा पढ़ाता है वही पढ़ूंगा मैं। बस भाई, और अगले हैकाथॉन में ले लियो। बस बस भाई, अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे एकदम। ठीक है। प्रत्युष शास्त्री, इन पर कोडिंग का भूत सवार है और सबको डिमोटिवेट करना इनकी हॉबी है। हाँ, कोडिंग आती है मेरे को। मुझे सब आती है भाई, पाइथन आती है, C++ कर लेता हूँ, जावा कर लेता हूँ, सब आती यार, फिर तो तू प्रो होगा एकदम। भाई प्रो तो हम हर चीज में, म्यूजिक ले ले, लेकिन मेन तो यही हमारे जा रहे हैं। आजा बैठ के साथ में गाते हैं। सवेरो का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया। DSA कर रहा हूँ, मैं सुना हूँ कि DSA बहुत पूछते हैं इंटरव्यू में, है ना, और प्लेसमेंट में भी DSA वगैरह से बहुत। यार मैंने ईगो में आकर झूठ तो बोल दी कि मुझे कोडिंग आती है, लेकिन अब क्या करूं, कोडिंग से तो मेरा दूर दूर का कोई नाता नहीं है। चल कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी कोडिंग करके ही इंसान आगे रहे।
मैं ऐसे ही आ गया हूँ, म्यूजिक है मेरे साथ। हेलो एवरीवन, प्लीज बी सीटेड। दो मिनट का काम है बस, हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज बतानी है आप लोगों को। टी सेल टेक सेल आप लोग जानते होंगे, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है हमारा NIT रायपुर, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में तो इंटरेस्ट होगा ही सबको। ये मैकेनिकल ब्रांच है, लेकिन यहाँ पे कितने लोग हैं जो नॉन कोर में जाना चाहते हैं? बहुत लोग जाना चाहते हैं। तो आपने हमारे फेस्ट का नाम तो सुना ही होगा, टेक फेस्ट। ये सेंट्रल इंडिया का लार्जेस्ट टेक फेस्ट है। तो इसमें अभी सेंट्रल इंडिया का लार्जेस्ट टेक फेस्ट, तो इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे इवेंट्स होंगे जिसके बारे में आप लोगों ने, कितने लोगों ने रिसर्च की थी NIT रायपुर में आने से पहले? की तो होगी थोड़ी रिसर्च कॉलेज में आने से पहले, ठीक है। तो हम आपको सारे डिटेल्स शेयर कर देंगे आपके ग्रुप्स में इससे रिलेटेड। यहाँ पे कितने लोग हैं जो वॉलंटियरिंग करना चाहेंगे हमारे साथ इसके लिए? ओके, बहुत लोग हैं। तो देखो, जितने लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, पहले मेरी बात सुन लो एक बार अच्छे से। देखो, तुम लोग आगे जाके प्लेसमेंट्स के लिए बैठोगे, आगे उसमें आपके पास एक्सपीरियंस कुछ तो होना चाहिए ना दिखाने के लिए। इतना बड़ा फेस्ट है, इस पे आप अगर वॉलंटियरिंग कर रहे हो तो इसमें जब आप ये सब अपना डालोगे, इसमें सर्टिफिकेट हम आपको जरूर देंगे वॉलंटियरिंग कर रहे हो तो प्लीज अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इसमें तो आइए हमारे साथ वॉलंटियरिंग कीजिए। थैंक यू। जल्दी बोला इसको, मेरे 5 मिनट में यही चाहिए। सॉरी सर, अभी मैं फोन करता हूं उनको। हेलो सर, हेलो, कहाँ है तुम, कहाँ है तुम, अभी तक क्यों नहीं पहुंची वर्कशॉप में? एक काम कौन करेगा, मुझे दस मिनट के अंदर सारे बंदे चाहिए वर्कशॉप में, ठीक है ना? ये बात अपने दिमाग में डाल लो। हाँ सर, आया। दस मिनट, ठीक है ना? सॉरी सर, मैंने उसको फोन कर दिया, वो अभी आ रहे हैं, बस 10 मिनट के अंदर। जल्दी बुला ले, मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। हाँ सर, आ रहा। ऋषि? हाँ सर। कहाँ जा रहे हो? सर सीनियर्स ने बुलाया, क्लब का काम है। सॉरी सर, जाना पड़ेगा। सॉरी सर। वो मेरी क्लास, चल कोई बात नहीं, कल चले जाऊंगा। से लेट हो गया, सीनियर से आज ही बुलाया था। चल भाई,
सीनियर्स ने बुलाया है, लेकिन आज तो लैब है, आज नहीं छोड़ सकता। कल छोड़ा था, थ्योरी क्लास थी, आज नहीं छोड़ूंगा। चलो आज जाना पड़ेगा, दोनों काम कर लूंगा। कहाँ है तू? अभी तक क्यों नहीं पहुंची वर्कशॉप में? एक काम कौन करेगा? हाँ सर, आया। सॉरी। यार मैंने क्या कर लिया अपनी लाइफ के साथ? अच्छा खासा आया था पढ़ने के लिए, पैशन फॉलो करने के लिए, ना ही ये पैशन फॉलो हो रहा है और ना ही ये असाइनमेंट्स हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस बैठा हुआ हूँ, हॉस्टल में मस्ती कर रहा हूँ, कमिटीज ज्वाइन कर रहा हूँ, बंक कर रहा हूँ, बस पढ़ नहीं रहा। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा अपने साथ। आज से और अभी से पढ़ना स्टार्ट करूँगा और पढ़ के दिखाऊंगा। अरे प्रत्युष भाई, तेरे तीन सब्जेक्ट में आर ग्रेड आ गई है भाई। क्या, तीन सब्जेक्ट में आर ग्रेड? देख भाई, मैं भी अभी देखा, ये देख तीन सब्जेक्ट में आर ग्रेड आ गई है। ओ भाई, मेरी तीन सब्जेक्ट में आर ग्रेड कैसे आ गई यार? और अब कल तो मार्क्स दिखाएंगे यार। किस चीज के? मिड सेमेस्टर के। मिड सेमेस्टर के मार्क्स भी दिखा रहे हैं कल? हाँ, देख ले भाई, आ जाइयो लेकिन मार्क्स देखने। आर ग्रेड के लिए क्या करना पड़ता है? वो तो अब तू कल आएगा तो तुझे बता देंगे। आ जाइयो याद से। ठीक है भाई, थैंक यू। क्या कर रहा है भाई, थोड़ा देख। हाँ भाई, तीन सब्जेक्ट में आर लेके आ गया। वही पढ़ने ही बैठा था यार, पढ़ूंगा सोच रहा हूँ। चल ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। आर ग्रेड लग गया, आर ग्रेड भी लग चुकी है। अब इसको हटाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अभी नहीं पता। सब तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है यार। बस स्टूडेंट्स, मिड सेमेस्टर की आंसर शीट आ गई है, आइए ले लीजिए। रोल नंबर वन, यस सर। रोल नंबर टू, यस सर। रोल नंबर 58, 59, रोल नंबर 60, क्या कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए क्या? कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई, क्यों लाई?
रोशनी के पाँव में ये बेड़ियाँ सी क्यों आई क्यों आई। उजियारे कैसे अंगारे जैसे छाँव छैली धूप मैली क्यों हैरी। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई। रोशनी के पाँव में ये बेड़ियाँ सी क्यों आई। उजियारे कैसे अंगारे जैसे छाँव छैली धूप मैली क्यों हैरी। आज कॉलेज के और भाई क्या कर रहा है भाई? मेरे को नहीं पता कि तेरे दिमाग में भी क्या चल रहा है, लेकिन तू ये जो कर रहा है वो गलत है। नीचे उतर ऋषि, ऐसा नहीं कर। इससे सही और कुछ नहीं है प्रत्यूष। नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं है तू जो कर रहा है। नीचे उतर। नहीं, एक बार अपने परिवार के बारे में सोच। तेरे परिवार वालों को कैसा लगेगा, कितना दुखी हो जाएंगे वो लोग तेरी मौत के बारे में सुन के। ऐसा मत कर। क्या बे सस्ते कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुझे।